हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ डॉक्टर बलराम। आज हम क्लास टेंथ का न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 12 है। एज पर नेम सजेस्टेड, इस चैप्टर में हमको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है, हमको चार्ज के बारे में पढ़ना है, हमको पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड ओम्स लॉ के बारे में पढ़ना है, हमको रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है, उससे उसका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसका डेरिवेशन देखना है, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात समझ आ रही है? हम सर्किट डायग्राम देखेंगे, कुछ सर्किट का सर्किट डायग्राम देखेंगे, हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? तो ठीक है, हम लोग सबसे पहला हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट? तो कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कैसा होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस फ्लो करता रहे करंट हमारा। और पाथ कैसा होगा? क्लोज होना चाहिए। क्लोज का मतलब कि सर्किट स्विच ऑन कंडीशन में होनी चाहिए, स्विच ऑन की कंडीशन में होनी चाहिए, तब हम उस पाथ को क्या बोलेंगे? क्लोज है हमारा पाथ। ठीक है, जैसे कि हम रूम में इंटर करते हैं और हमको फैन चलाना है, क्या करते हैं? स्विच को ऑन करते हैं। स्विच ऑन करने से हुआ क्या? एक्चुअल में आपने किया क्या? स्विच ऑन करने से जो सर्किट अभी तक ओपन थी, आपने स्विच ऑन करके क्लोज कर दिया। सर्किट क्लोज हो गई तो हमारे जो इलेक्ट्रिक करंट को एक पाथ मिल गया फ्लो होने का, और करंट अपनी हद तक पहुंच गया और उसको रोटेट करा दिया। दिस इज द सिंपल फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है बच्चों, तो चलो पहला हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट और इसके बारे में लिखते हैं कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट को। कैसे डिफाइन कर देंगे हम लोग? इट इज कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इट इज ए कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी को क्या बोला गया? इलेक्ट्रिक सर्किट बोला गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ठीक है, चलो एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट को एक सिमेट्रिक डायग्राम से देखते हैं। ठीक है, चलो होता क्या है, एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होगा? एक रेजिस्टेंस होगा, एक क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है बच्चों, अभी हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, इसके बाद उसके अंदर क्या लगा होगा? एक एम्पियर लगा होगा, सॉरी एक अमीटर लगा होगा। क्या लगा होगा? एक अमीटर लगा होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या लगा होगा? करंट जनरेट करने के लिए कुछ ड्राइविंग फोर्स होगा जिसे सेल बोलते हैं। क्या होते हैं? सेल बोलते हैं। और सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेल की दो प्लेटों को इस तरह दिखाते हैं, एक बड़ा टर्मिनल होता है, एक बड़ी प्लेट होती है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल को बोलता है, जो एक छोटी प्लेट होती है उसे निगेटिव टर्मिनल बोला जाता है। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये बन गया हमारा एक सेल। ठीक है, कुछ कुछ फिगर बुक्स में कई सेल्स दिखा रखे होंगे, कई सेल्स। तो ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। तो अगर कोई दिक्कत नहीं कि सर ने एक बनाया बुक में, तो कई बुक में तीन तीन चार चार बनाए हुए हैं, तो वो क्या है? बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बैटरी कहते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज क्या हमारा? की। क्या हमारा? की, जिसे स्विच बोला गया, जिसको अभी मैंने स्विच बोला। ठीक है, तो होता क्या है, यदि इस कंडीशन में, इसको की लिख देता हूं मैं, की। ठीक, इस हमको इस कंडीशन में की दिख रहा है, तो मतलब ये की कैसा है? इसमें ओपन है। ये कैसा है? ओपन है। अब इसी पे हमने एक डॉट लगा दिया, तो मतलब क्या हो गया? की हमारा क्या हो गया? क्लोज हो गया। अच्छा, की क्लोज होते ही इस सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो गया। ठीक है, जैसे ही की हमने क्लोज किया, स्विच ऑन किया, सर्किट कंप्लीट हुई और ये करंट फ्लो होना शुरू हो गया सर्किट में। ठीक है बच्चों, अच्छा करंट फ्लो हो रहा कि नहीं, तो यहां पे एक अमीटर लगा रखा। क्या लगा रखा हमने? एक अमीटर। अभी बढ़ाएंगे इसके बारे में। अमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डिवाइस होता है जिससे हम करंट को मेजर करते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं, उसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड अमीटर। उसको हमेशा सीरीज में लगाते हैं, हमेशा किसमें लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं। और एक आइडियल अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक,
लेकिन आइडियल आप एज्यूम तो कर सकते हैं ना। ठीक है, तो ये बात समझ में, एक सिंपल सर्किट भी होता। अच्छा, करंट की डायरेक्शन की बात करते हैं तो कह रहे हैं करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में मूव करता है। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, आप सर्किट बाहर से समझते हैं। हमें क्या देखो, यहां से एक सेल को सिंपल बनाया तो दो प्लेट बनाएंगे, एक बड़ी एक छोटी प्लेट। ठीक है, हमने क्या, बड़ी प्लेट कैसी टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, और छोटी वाली नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, हमने कहा अच्छा पॉजिटिव का मतलब इसका पोटेंशियल पॉजिटिव में, इसका पोटेंशियल नेगेटिव, मतलब ये हायर पोटेंशियल पे है और ये हमारी छोटी वाली नेगेटिव प्लेट है, लोअर पोटेंशियल पे है। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, ठीक है, यहाँ पे सेल में पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट फ्लो होना शुरू हुआ। ठीक है, आउटसाइड की बात करेंगे, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये बात समझा दी? कुछ बच्चे कहेंगे कि हायर से लोअर तो सीधे यहाँ पे भी हो सकता है ना, हमने कहा नहीं, ये तो इनसाइड द सेल की बात हो रही है, हमको स्टोरी कहाँ चाहिए, आउटसाइड ऑफ द सेल चाहिए। ठीक है, ठीक है, सर्किट में करंट की डायरेक्शन देख रहे हैं हम, तो क्या देखा, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टूवर्ड द लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो करंट का फ्लो होना इसलिए मैंने करो इस तरह लिखा है। ठीक है, तो याद रखना, सिंपल सिंपल याद करने का तरीका क्या है कि पॉजिटिव की तरफ से करंट दिखाओ और ये निगेटिव की तरफ इंटर करेगा, पॉजिटिव से निकलेगा और निगेटिव में इंटर करेगा। इसको दिखाना, तो ये हो गया हमारा एक सिंपल सर्किट। ठीक है, एक सिंपल सर्किट में क्या होगा, एक सेल होगा जो एक ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, एक रेजिस्टेंस होगा, एक अमीटर होगा और एक की होगा जिससे हम स्विच ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? चलो लिख देते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट की डिफिनेशन में एक टर्म यूज हुआ इलेक्ट्रिक करेंट। ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, कहते हैं इट इज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। ठीक है, कैसे डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, इट इज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, या हमको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, चलो हेडिंग डाल दे इलेक्ट्रिक करंट, सेकेंड हैंड डालते हैं इलेक्ट्रिक करंट। कैसे डिफाइन किया हमने इलेक्ट्रिक करंट को, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, इसको इस तरह डिफाइन करेंगे, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो क्या बोला जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। दूसरी डेफिनेशन जो देखने को मिल जाती है ऑब्लिक करके आप ये दूसरी सेकंड डेफिनेशन और कर दो, और इट इज क्या बोलेंगे, इट इज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, इन ठीक है। तो पहली डिफिनेशन का, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि हमारा चार्ज किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारा चार्ज किस रेट से फ्लो कर रहा है। ठीक है, या हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम विल गिव द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन दैट सर्किट। ओके, चलो हटा दो इसको। चलो अब बच्चों देखो, एक चीज में इसको आगे बढ़ाने से पहले, एक यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज हुआ चार्ज, दोनों डिफिनेशन में किसका यूज हुआ, चार्ज के यूज हुआ। तो पहले थोड़ा सा चार्ज के बारे में पढ़ लेते हैं कि हमारे चार्ज होता है क्या, फिर हम करंट पे आएंगे। अभी ये खत्म नहीं हुआ, ये खत्म नहीं हुआ, लेकिन पहले चार्ज को समझ तो ले आखिर है क्या, क्योंकि इसकी डिफिनेशन में आया तभी तो हम इलेक्ट्रिक करंट को समझ सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं चार्ज के बारे में, होता क्या चार्ज। कहते हैं इट इज फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, चार्ज क्या है, इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है बच्चों, तो डिफाइन कर दे इसको, इट इज फंडामेंटल
पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, वो किसी भी एलिमेंट का फंडामेंटल पार्टिकल होता है, वो चार्ज होता है। याद करो बच्चों, क्लास 9 में हमने एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, डाल्टन का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, उन्होंने क्या बोला था, इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर को क्या बोला गया था, एटम, ठीक है, द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर इज नोन एज एटम। लेटर ऑन क्या देखा गया कि एटम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये खुद 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसमें से प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड था, जिसपे प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता था और इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल था वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था। ये बात समझ आ गई, ठीक है, तो इट इज फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, कौन, चार्ज, ठीक है। अब देखो चार्ज दो तरीके होते हैं, इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव हो सकते हैं, ये निगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव में जैसे मैंने बोला, पॉजिटिव में क्या, प्रोटॉन हमारा क्या भाई, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, एंड निगेटिव में क्या बोल सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन जो कि कैसा है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो चार्ज दो तरीके हो सकते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव का एग्जाम्पल प्रोटॉन और निगेटिव का एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की देखते हैं, हमने कहा लाइट चार्जेस जितने होते हैं बच्चों, लाइट चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल, लाइट चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे हमने कहा पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव आपस में क्या कर रहे होंगे, रिपेल टू ईच अदर। ये बात समझ आ गई। इन द सेम वे अनलाइट चार्जेस की बात करें, अनलाइट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अनलाइट चार्जेस क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे, जैसे प्लस और माइनस चार्ज आपस में क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये प्रॉपर्टी थी चार्ज की। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की देखते हैं, इसको हटा दो, इसको हटाते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी और देखते हैं चार्ज की। चार्ज के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं क्योंकि तभी हमको करंट के बारे में समझ में आएगा, ठीक है। चलो हटा दो इसको, नोट करो। कुछ और प्रॉपर्टी की बात में, जिसमें एक यूनिट आता है, क्या है, यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ चार्ज की बात करते हैं। तो चार्ज की यूनिट होती है बच्चों कूलम, क्या होती है, कूलम, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कूलम एक साइंटिस्ट है, उनके रिस्पेक्ट में चार्ज की यूनिट को क्या दिया गया, कूलम बोला गया, ठीक है, उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि टोटल चार्ज ऑफ बॉडी, ठीक है, टोटल किसी भी कंडक्टर पे टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज ऑफ अ कंडक्टर इज, कैसे निकालते हैं, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। क्या बोला मैंने, किसी कंडक्टर पे किसी बॉडी पे टोटल चार्ज कितना होगा, तो कहते हैं वो मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। अब स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज किसको मानते हैं बच्चों, अभी बताया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसको माना जाता है, इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है दैट इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज को माना जाता है, ठीक है, क्योंकि वो सब एटॉमिक पार्टिकल है, उससे कम चार्ज, मिनिमम उतना चार्ज होगा, किसी भी बॉडी पे मिनिमम इतना चार्ज होगा, बात समझ आ गई। इसीलिए उसको स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज को किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कि चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन से डिनोट करते हैं, बात समझ आ रही है। चलो इसको देखते हैं, जैसे हमने कहा कि मान लो कोई कंडक्टर था हमारे पास, ये कोई कंडक्टर था, किसी ने बोला कि इस पे टोटल चार्ज क्या भाई, क्यू है,
इस पे टोटल चार्ज क्यू है, क्यू चार्ज का सिंबल होता है क्यू से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, चार्ज के सिंबल को कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो टोटल चार्ज किसी ने और इस बॉडी पे, इस कंडक्टर पे टोटल चार्ज क्यू है, तो बताओ ये कैसे निकला होगा। हमने कहा कि एन इंटू ई, क्या बोला हमने, एन इंटू ई मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इंटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो प्रोडक्ट होगा विद देता टोटल चार्ज ऑफ एन बॉडी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये चार्ज बॉडी कैसी हुई, या तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आया होगा या तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला होगा, ठीक है। या किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन, या किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन इंटर करता है, ठीक है ना, तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी भाई, निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। या किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो उस केस में ये बॉडी कैसी हो जाएगी भाई, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, ये तो पता है, ठीक है। तो इस बॉडी पे टोटल चार्ज क्यों आया, कैसे आया होगा, बाय द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आया हुआ। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 1.6 × 10⁻¹⁹। तो टोटल चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव या एड हुए होंगे, 100 × 10⁻¹ कर दो। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। ये बात समझ में आ गई। चलो तो यहां पर हमसे ई क्या है भाई, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो, डेट इज कितना होता है भाई, माइनस का 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है, ठीक है। ये क्या है टोटल चार्ज, क्या देगा हमको भाई, टोटल चार्ज ऑफ बॉडी देगा। और एक क्या देगा भाई, ये क्या है, ये इंटीग्रल मल्टीपल है, एक नंबर होगा जो कि एक होल नंबर मल्टीपल है, ठीक है। इसका क्या हो सकता है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है। और इसी फिनोमेना को बोलते हैं क्वांटाइजेशन, ठीक है। चार्ज के इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, इसको यहां लिख देते हैं, यहां चार्ज के इसी फिनोमेना को क्या बोलाता है, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन, ठीक है, समझते हैं क्वांटाइजेशन क्या होता है, कैसे समझते हैं इसको। हमने कहा कि चलो तुम स्कूल जा रहे थे, मैंने कहा कि आज तुम अपने क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट करके आना और हमको बताना, ठीक है। अब हमको ये नहीं पता था कि शाम को तुम जब लौटोगे कितने नंबर बताओगे, लेकिन एक चीज फिक्स था, एक चीज कंफर्म था, जो भी नंबर तुम बोलोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट के बारे में, जो भी नंबर तुम बोलोगे वो एक होल नंबर होगा, 40, 50, 60, 70, 61, 55 कुछ भी हो सकता है, वो एक होल नंबर होगा। कभी भी तुम डेसिमल नंबर या तुम फ्रैक्शन नंबर नहीं बोलोगे, ये बात समझ आ गई। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन, ठीक है। किसी कोई भी बॉडी चार्ज है तो या तो एक इलेक्ट्रॉन उसमें निकला होगा एटलीस्ट, या एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा, ये कोई कह के नहीं हाफ इलेक्ट्रॉन गया, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। नंबर ऑफ स्टूडेंट 10½ है, तो क्या 10.5 स्टूडेंट का मतलब क्या निकालेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। डेट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन, कि स्टूडेंट का नंबर हमेशा एक होल नंबर होगा, जब भी होगा इंटीग्रल मल्टीपल होगा, डेट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। एक चार्ज भी सेम फिनोमेना को फॉलो करता है, ठीक है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट चार्ज होगा तो या तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल के बराबर इलेक्ट्रॉन निकले होंगे या उतना आए होंगे, बात समझ में आ रही, इंपॉर्टेंट है, इसलिए जोड़ ले रहा इस पर, ठीक है। इसको आराम से समझो क्वांटाइजेशन को, आई बात समझ में, चलो हटा देता हूं आगे समझ में। तो लिख लिया, तो टोटल चार्ज ऑफ कंडक्टर इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, दैट इज चार्ज, हम लिख देते हैं इसको, हम ये लिख देता हूं, चलो इसको हटा लेता हूं, थोड़ा सा एक लाइन बना देता हूं, दैट इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दैट इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ओके बच्चों, इसको नोट करो, हटा दो। चलो अब हम लोग फिर से अपने टॉपिक क्या आते हैं, जिसपे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इतना क्यों पढ़ाया, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनेशन में चार्ज आ गया, तो चार्ज को जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक करंट के बारे में क्या पढ़ेंगे, ठीक है, इसलिए इतना बताया। चलो इसको हटा दो और अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ लिए, ठीक है, अब हम आते हैं फिर से इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। हमने कहा कि डिफिनेशन देख लिया, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब हमने कहा इफ क्यू कूलम, सही से इफ क्यू कूलम चार्ज फ्लो
इन अ सर्किट इन अ सर्किट इन टाइम टी, ठीक है। हमने कहा किसी सर्किट में क्यू कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है कितने टाइम में, टी टाइम में, तो कितना करंट फ्लो करेगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अच्छा यहाँ पे एक सिंबल लगा लेते हैं यूज करने, जो करंट का सिंबल होता है कैपिटल आई, ठीक है। कैसे दिखाते हैं इसको, कैपिटल आई से दिखाते हैं, ठीक है। तो कितना करंट फ्लो कर जाएगा हमने, आई इक्वल टू एज पर डेफिनेशन आई इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लो दैट इज क्यू और टोटल टाइम टेकन दैट इज टी। तो दिस विल बी द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द टर्म ऑफ चार्ज एंड टाइम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ठीक है। किस रेट से हमारा चार्ज फ्लो किया दैट विल गिव द इलेक्ट्रिक करंट। याद करो स्पीड के बारे में, हम लोग पढ़ चुके हैं स्पीड के बारे में क्लास 9 में, क्या होता है टोटल डिस्टेंस कवर इन टोटल टाइम, ठीक है ना। तो ये देखो बिल्कुल ऐसे नहीं है, टोटल चार्ज फ्लो इन टोटल टाइम, ठीक है, विल गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट। बात समझ आ गई, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यूनिट की बात करते हैं बच्चों, यूनिट कहते हैं, तो कहते हैं एसआई यूनिट जो होता है करंट का, जो एसआई यूनिट ऑफ करंट, एसआई ऑफ करंट जो होती है वो होता है एम्पियर। इसको सिंपल में ए से दिखाते हैं, एसआई यूनिट क्या होता है भाई, करंट की एम्पियर होता है। एम्पियर भी एक साइंटिस्ट है जिसके रिस्पेक्ट में करंट की यूनिट कह दिया गया भाई एम्पियर, ठीक है। अब देखो यहां से ये तो एक यूनिट हो गई एम्पियर, अच्छा दूसरी एसआई यूनिट, एक और एसआई यूनिट होती है। यहां पे देखो फॉर्मूले से देखो, ये तो आई है करंट, क्यू है चार्ज और टी है टाइम, तो ठीक है। तो हमने क्या बताओ, चार्ज की यूनिट अभी बताया, अभी पढ़ गया कूलम, और टाइम की यूनिट क्या होती है एसआई यूनिट सेकेंड, तो दूसरा यूनिट क्या हो सकता है इसका, कूलम पर सेकेंड, हो सकता है बच्चों कूलम पर सेकेंड, ठीक है। इसको लिख सकते हैं सी अपॉन, ये बात समझ आई। अच्छा नॉर्मली जो हम लोग डेली लाइफ में जो करंट की यूनिट देखते हैं एम्पियर में देखते हैं, 1 एम्पियर 2 एम्पियर, जैसे हम लोग मोबाइल के एडाप्टर्स होते हैं 1 एम्पियर 2 एम्पियर करंट, 5 एम्पियर 10 एम्पियर, लेकिन जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है ये इसकी वो यूनिट नहीं है ऐसा है, और भी स्मॉल यूनिट में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा जो तुम्हारे कोर्स में सिलेबस में। तो एक यूनिट होती है माइक्रो एम्पियर, ठीक है, क्या है माइक्रो एम्पियर, ठीक है। ठीक है, पहली यूनिट क्या देखा एम्पियर, सेकेंड यूनिट देखा कूलम पर सेकेंड, दोनों ही एसआई यूनिट है, ये दोनों यूनिट कैसे भाई एसआई यूनिट है, ठीक है। स्मॉल यूनिट देखा जाए तो माइक्रो एम्पियर, जिसको स्मॉल एम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और भी यूनिट है, सॉरी ये म्यू से होगा बच्चों, इसको म्यू से करेंगे, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं माइक्रो एम्पियर, म्यू इंटू ए, और एक होता है मिली एम्पियर, क्या होता है मिली एम्पियर, जिसको स्मॉल ए सॉरी स्मॉल एम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब सारी यूनिट किसकी है भाई, करंट की यूनिट है, ठीक है। जल्दी से थोड़ा सा रिलेशन देते हैं सभी के बीच में, क्या क्या रिलेशन होता है वो देख लेते हैं। तो यहां पे देखा हमने कहा कि 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, 1 एम्पियर इक्वल टू, दोनों यूनिट क्या सेम है, दोनों यूनिट क्या सेम है, तो क्या 1 एम्पियर क्या होगा 1 कूलम पर सेकेंड। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि 1 एम्पियर करेंट कैन बी डिफाइंड एज 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, ठीक है। कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड विल गिव द 1 एम्पियर करंट इन द सर्किट, समझ रहा है। तो अभी लिखा देते हैं इसको, यहां पे देखो इन दोनों में रिलेशन देखा, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, इसका इसके साथ रिलेशन देखते हैं माइक्रो के साथ, हमने कहा 1 एम्पियर इक्वल टू, याद करो बच्चों माइक्रो, अच्छा मिली के बारे में बताओ, मिली कितना होता है 10^-3, इन द सेम वे माइक्रो जो होता है 10^-6 होता है, ठीक है। तो 1 एम्पियर या ऐसे करते हैं 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10^-6 एम्पियर के, इन द सेम वे 1 मिली एम्पियर जो होगा 10^-3 एम्पियर के बराबर होगा, ठीक है। तो ये सब आपस में जितने भी यूनिट ऑफ करंट है इनमें रिलेशन होता है, ठीक है बच्चों, चलो नोट कर लो, ठीक चलो बच्चों
तो 1 एम्पियर को डिफाइन कर लेते हैं। 1 एम्पियर क्या होता है भाई, 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो कैसे करते हैं, ठीक है। हमने कहा कि चार्ज कितना हो जाए 1 कूलम और टाइम भी कितना है 1 सेकेंड हो जाए, तो हमको करंट कितना मिलेगा 1 एम्पियर। तो यहां से 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 एम्पियर इज द करेंट इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो फॉर 1 सेकेंड या इन 1 सेकेंड। समझ आया कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 एम्पियर इज करेंट इफ, डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर इज अ करेंट इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोस इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड इन अ सर्किट। तो इस तरह 1 एम्पियर की डेफिनेशन हम बता सकते हैं, ठीक है। क्या क्या हमने चार्ज को क्या 1 कूलम लिया, टाइम 1 सेकंड के लिए फ्लो कराया, तो हमने कहा वो क्या दिया 1 एम्पियर। तो कैसे डिफाइन कर, 1 एम्पियर इज अ करेंट इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, इज नोन एज 1 एम्पियर, ठीक है बच्चों। चलो तो हम लोगों ने डेफिनेशन देख ली, हम लोगों ने इसके इसके इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लिया, हम लोगों ने इसकी एसआई यूनिट देख ली और इसकी स्मॉलर यूनिट भी देख लिया, मिली एंड माइक्रो एम्पियर, ठीक है। और हम सबके बीच रिलेशन भी देख लिया और 1 एम्पियर की डिफिनेशन को भी देख लिया कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलो अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। इसकी डायरेक्शन ऑफ करेंट की बात करते हैं, क्या होता है डायरेक्शन ऑफ करेंट, कहते हैं कि करंट की डायरेक्शन, जैसे इस सर्किट में मान लो ये था सर्किट, ठीक है, किसी कोई वायर था कंडक्टिंग, इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, तो मतलब क्या होता है, जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है इज इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पास ना जी बच्चों, जो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है। दूसरा हम क्या कंक्लूजन कर सकते हैं, अच्छा लिख दो बेटा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगी, मतलब ये करंट इस सर्किट में लेफ्ट से राइट में जा रहा है, लेफ्ट से राइट में जा रहा है, तो मतलब ये क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा। या सेकेंड पॉइंट इसे बना सकते हैं हम क्या, सेकेंड पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट करंट विल बी अपोजिट टू, विल बी अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ निगेटिव चार्ज। बात को समझो इसको, क्या बोला मैंने कि ये कोई किसी ने बोला कि किसी पर्टिकुलर सर्किट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट से राइट, तो करंट किधर मूव कर रहा होगा। बात समझ आ रही, क्या बोला मैंने कि इलेक्ट्रिक सर्किट में इसको नहीं बनाते, ठीक है। हमने कहा कि कोई इलेक्ट्रिक सर्किट था, ये हमारा वायर था, इसमें हमको दिखाया गया कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी भाई, इसके अपोजिट होगी। दिस विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या लिखा, द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब क्या, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और या हम कह सकते हैं कि किसी सर्किट में ये डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज की, तो उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो करेगा। ये बात समझ में आ गई। एक्चुअल में बच्चों देखो क्या होता है, जैसे कि एटॉमिक मॉडल में दिया गया था कि जो प्रोटॉन होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वो एटम के न्यूक्लियस में टाइटली बाउंड होते हैं, तो वो मूव नहीं कर पाते। इलेक्ट्रॉन चारों ओर रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, तो वो आसानी से मूव कर सकता है। एक्चुअल में जो फ्लो ऑफ करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक है बच्चों। एक्चुअल में किसी भी कंडक्टर में करंट क्यों फ्लो करता है, बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये पहली जो डिफिनेशन दी गई डायरेक्शन की, तो करंट के सॉरी इलेक्ट्रॉन के रिफ्रेंस में क्यों नहीं दी गई। एक्चुअल में हुआ क्या बच्चों, कि जब करंट के बारे में डिफाइन किया जा रहा था, उस समय इलेक्ट्रॉन का कोई नॉलेज नहीं था, इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई नॉलेज था ही नहीं, तो क्या बोल दिया गया कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगी वो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगी। जब लेटर बाद में निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन देखा गया, फिर क्या बोला गया, क्योंकि जो करंट का मेन कॉज क्या है,
मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ना कि प्रोटॉन है, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में टाइटली पैक्ड होते हैं। ये बात समझ आ गई, ठीक है। तो चलो इसको भी नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे देखते हैं, एक लास्ट पॉइंट करंट के लिए पढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट एक देखते हैं। अभी मैंने यूज किया था इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक टर्म यूज किया था, अमीटर, कैपिटल ए से सिंबल दिया था इसको, अमीटर, ठीक है। तो ये क्या होता है, अमीटर क्या होता है देख लेते हैं, अमीटर क्या होता है। तो कहते इट इज द इंस्ट्रूमेंट, इट इज द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, ठीक है। तो हमने कहा अमीटर क्या होता है, इट इज द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं वो हम अमीटर के हेल्प से पता कर सकते हैं, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है, अभी मैंने बनाया था सिंबल क्या, ए इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं पे सिंबल क्या इस तरह बनता है, ये प्लस और ये माइनस दिखा रहा था, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सिंबल ऑफ, ये क्या है भाई, सिंबल है, सिंबल अमीटर को रिप्रेजेंट करने का। अच्छा, कहते हैं कि अमीटर को हमेशा मेन सर्किट के सीरीज में जोड़ते हैं, मेन सर्किट के साथ सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे, अभी आगे हम लोग इसका जब रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे, वहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे समझते हैं कि अमीटर को एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डिवाइस होता है टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, ये इसका सिंबल होता है। नेक्स्ट हमने कहा कि इसको मेन सर्किट में इट ऑलवेज कनेक्टेड, ठीक है, इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज टू मेन सर्किट, टू मेन सर्किट, ठीक है, ठीक है। अमीटर को हमेशा मेन सर्किट में जिसमें करंट हमको निकालना है उसके साथ सीरीज में जोड़ते हैं, हमेशा किससे जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। और एक लास्ट पॉइंट इसके बारे में कि आइडियल अमीटर, जीरो, ठीक है बच्चों, जीरो रेजिस्टेंस। एक आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है बच्चों, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये एक आइडियलिस्टिक कंडीशन है कि जो भी कोई भी चीज आइडियल है नहीं, ठीक है। तो एक आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना चाहिए बच्चों, जीरो होना चाहिए। और अमीटर को हमेशा मेन सर्किट के सीरीज में जोड़ते हैं, हमेशा किसे सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक है बच्चों। तो चलो इस पे फिर दो क्वेश्चन पढ़ते हैं, अभी इतना पढ़ा हमने टॉपिक पे, एक चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े थे क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल पे, और एक पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। हाँ दोस्तों, ठीक है, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन क्या है, How many electrons will flow to develop a total charge of 1 coulomb? Coulomb को ऐसे लिखने जरूरत है, सिंबल से पहचानना सीखते हैं, ठीक है। चलो तो हमें यहाँ की हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल फ्लो टू डेवलप अ टोटल चार्ज ऑफ 1 coulomb। किसी सर्किट में हमने कहा कितने इलेक्ट्रॉन हम फ्लो करा दें, तो बोल देंगे कि 1 coulomb चार्ज फ्लो हो गया। तो ठीक है, चलो देखते हैं। हमने क्या बताओ, 1 coulomb चार्ज फ्लो हुआ सर्किट में, टोटल 1 coulomb चार्ज सर्किट में फ्लो हुआ, तो मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, कितना चार्ज देखे, 1.6 × 10⁻¹⁹ दो गया, 2 times 3 गया, 3 times, इस तरह करते करते करते। तो क्या ये फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड होगा क्वांटाइजेशन का, हमने कहा टोटल चार्ज दे रखा कितना फ्लो करा रहा भाई, 1 coulomb, कैपिटल क्यू की वैल्यू दे रखी कितनी भी 1 coulomb दे रखा, ठीक है। अच्छा, एन की वैल्यू पूछ रखा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो एन की वैल्यू पूछ रखा है, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा
पढ़ रखा है, उसको याद करना है आपको, मैंने बोला था कितना होगा भाई 1.6 इंटू 10^-19। तो चलो बताओ यहां से एन की वैल्यू क्या निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकलेगा, ये तो बताते ठीक है, ऊपर भी गुलाम नीचे भी गुलाम, गुलाम से गुलाम कैंसिल क्या है भाई, देखो ये भी गुलाम था ना, देखो जानते ठीक है। अभी क्या है इसको डिवाइड करो, 1.6 × 10^-19 कर लो 19 ठीक है, ये कर लिया तो उसको कट किया तो कितना आ जाएगा 6.25 × 10^18 ठीक है। तो मतलब ये एक गुलाम का टोटल 1 कूलम का ट्रांसफर कराना है चार्ज का, तो हमको कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने होंगे सर्किट से 6.25 × 10^18 आया हुआ समझ में। चलो एक क्वेश्चन और कर देते हैं ठीक है, ये भी आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और करते हैं करंट से रिलेटेड ठीक है, करंट से, इसके बाद हम लोग सीधा पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है, इसमें बता दूं बहुत इजी है क्वेश्चन। चलो चलो जल्दी से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, हमने कहा किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट से या किसी वायर में ठीक है 0.5 एम्पियर करंट फ्लो किया, तो 0.5 एम्पियर करंट फ्लो इन अ वायर फॉर 2 मिनट ठीक है। हमने क्या बोला 0.5 एम्पियर करंट फ्लो कर गया किसी भी वायर में फॉर 2 मिनट 2 मिनट तक के लिए, तो हाउ मेनी या हाउ मेनी हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑफ चार्ज फ्लो इन सर्किट ठीक है, सही सही देखते समझ में आ रहा जल्दी जल्दी लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है। चलो तो 0.5 एम्पियर करंट फ्लो करा था किसी भी वायर में कितने लिए फॉर 2 मिनट के लिए, जिससे कि ठीक है 0.5 एम्पियर करंट मैंने फ्लो कराया 2 मिनट के लिए किसी वायर में, तो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो सर्किट में बता सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल कैसे बताएंगे भी? कैसे बताएंगे, हमने अभी पढ़ा करंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी, Q/T क्या पढ़ा Q/T। अब देखो जानते करंट दे रखा है बहुत सही, हमको यूनिट का ध्यान देना बच्चों, फिजिक्स में प्रॉब्लम हो जाती है यूनिट का, यूनिट जरूर देखना हमको ठीक है, हमको एम्पियर सिस्टम को लेना, तो एक करंट किस में दे रखा है एम्पियर में, बहुत सही एम्पियर की हमने पढ़ाई, ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या था एम्पियर सही है। तो आई की तुम्हें हमें दिया क्या है, गिवन है आई इक्वल टू दे रखा है 0.5 एम्पियर ठीक है, क्यू तो क्वेश्चन मार्क है, हेज निकालना है हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो ठीक है, और टाइम दे रखा है यहाँ पे गड़बड़ किया 2 मिनट दे दिया इसने भाई, क्या दिया 2 मिनट, क्या मिनट ऐसा ही यूनिट है टाइम की, सेकेंड होता है तो कर लो भाई 2 × 60 दैट इज 120 सेकेंड। देखो वैल्यू पुट करते अपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते क्या है, यहां से क्या लिख रहा है जो क्यू इक्वल टू आएगा I × t, आई की वैल्यू कितनी टी की वैल्यू कितनी 120, कितना आ जाएगा ये पॉइंट से ये जीरो है कैंसिल हो गया 12 × 5 = 60 कूलम ठीक है, तो आंसर हमारा क्या है 60 कूलम। देखो बहुत अच्छी क्वेश्चन बात है मेरे, चलो हटा दो सारा। तो चलो बच्चों लास्ट पॉइंट देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, कि बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी ठीक है, कैसी क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक करंट, स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है आर दोज क्वांटिटी विच आर एक्सप्रेस्ड इन मैग्नीट्यूड ओनली ठीक है, वो क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, ऐसी क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, इसके अपोजिट होती है वेक्टर क्वांटिटी, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एज वेल एज वो लॉ ऑफ वेक्टर एक्शन को फॉलो करे ठीक है। अब ये नया टर्म आ गया लॉ ऑफ वेक्टर एक्शन, क्योंकि क्लास 9 तक इसके बारे में हमने सुना नहीं था। तो एक्चुअली होता क्या बच्चों कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, कि वो उसके पास अपना मैग्नीट्यूड हो, प्लस उसका अपना डायरेक्शन हो, और थर्ड पॉइंट जो होता है दैट इज इट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एक्शन, ये लॉ ऑफ वेक्टर एक्शन को फॉलो करे
ठीक है। ये थर्ड प्रॉपर्टी जो होगी आपको क्लास 11 में पढ़ाई जाएगी, ठीक है बच्चों। बाकी आपने स्केलर और वेक्टर 9 क्लास में पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो क्लियर रखना कि करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब क्वेश्चन दिमाग में ये आता है किसी किसी बच्चों के कि करंट की तो डायरेक्शन भी थी, मैग्नीट्यूड तो देखा हमने कि 2 एम्पियर 3 एम्पियर मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, साथ में एरो से उसका डायरेक्शन भी शो करते हैं, फिर ये क्यों नहीं वेक्टर हुआ? तो बच्चों इसलिए क्योंकि वो थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। एक्चुअल में ऐसी क्वांटिटी को एक नया टर्म देते हैं, दैट इज कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं इसको? टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन वो थर्ड लॉ को फॉलो नहीं करता, दैट इज लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, तो ऐसी क्वांटिटी को टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन अभी आप इस सिलेबस में ये टर्म कहीं पे नहीं लिखा हुआ, इसलिए इसको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए कि टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है बच्चों। तो ये लिख लेते हैं लोग, इंपॉर्टेंट होता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है बच्चों।